विदाउट कंटेंट पब्लिक कार पार्किंग इधर आइए फोटो आने के लिए ये मैडम इनॉग्रेटेड बाय श्री नवम तुकी ऑनरेबल एमएलए पिप्टिन सगाली एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश ऑन 17 January 2022 इन प्रेजेंस ऑफ श्री ऑडिट टोको एपीसीएस एडीसी सगाली कम से कम पब्लिक के लिए कार पार्किंग तो थोड़ा सा ऐसे नमूना ब्रीफिंग ये कार पार्किंग हम लोग ने सोचा है जब बैंक आएगा आ गया और ट्रेजरी ऑफिस आ रहा है तो हमारा मिनी सेक्रेटरीट में भी बहुत ये स्टाफ है और हर आदमी का अभी एक एक गाड़ी है तो पार्किंग हमारा अंदर में बहुत प्रॉब्लम होगा बोल के ये नया इनोवेटिव दिया हमारा एक सगाली का बुजुर्ग ने सजेशन दिया सर अपने कार पार्किंग एक सूचना पड़ेगा इज द नॉन अदर देन सजेस्ट किया हमने सोचा है ये तो अच्छा सुझाव है इसलिए मैंने ये काम को शुरू किया और दुनिया ने हम कान मेरा कान में मेरा सामने में बोलने नहीं सका होगा पीछे में बहुत बोला इतना ये करते काम कर रहा है डीसी का हम करते काम नहीं कर रहा इसका फंडिंग सिस्टम नहीं है सेल्फ हेल्प और कंट्रीब्यूशन करके मैंने किया है वो कंट्रीब्यूशन ऐसा है हम लोग सीमेंट को जिला साहब दिया है बाबुल नाथ का क्रो देन हमारा दावा का और चलाने वाला लवसंग भी दिया है सीमेंट को और मेटेरियल्स रोड वगैरह को हम लोग हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी दिया है तो बच्चा क्या है और आर्ट पीलिंग को हमारा ये सुशी कंपनी ने कर दिया आर्ट पीलिंग और दोनों हाँ द्वारा तो ऐसा करके हमने किसी कंपनी के लिए कंप्लीट कर दिया अभी बचा है मेकिंग चार्ज मेकिंग चार्ज को वही मैंने सोचा है कि हमारा ऑनरेबल ईयर मार्किंग तो क्या है उसको जल्दी सेंशन देने से ठीक है बोल के सोच रहे वही हम लोग का पान वही था और आप लोग कोई भी बोलने से बता देना चाहिए कि ये हम लोग कंट्रीब्यूशन में किया है सगाली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनी सेक्रेटरीट एरिया में पार्किंग का थोड़ा कम है उसके बाद यहाँ में जनरल ग्राउंड है और यहाँ स्टेट बैंक उसके बाद ट्रेजरी बहुत सारा डिपार्टमेंट यहाँ आसपास में पूरा आ गया है पार्किंग का बहुत ज़रूरी था पब्लिक पार्किंग कम था ना इसलिए आज कार पार्किंग एडीसी साहब और सब मिलके बनाया उसका आज उद्घाटन हुआ सर ये आज आन्या ने पार्किंग अवेलेबल हो जाएगा चिंता नहीं सर आन्या ने ये 48 hours के सर बंद कॉल किया गया सर तो सर इसमें उन लोगों का कहना है कि उन लोगों का जो 100 से ज़्यादा उन लोगों का लड़का लोगों का सर अरेस्ट किया गया है सर एज अब फॉर्मर सी एम सर आन्या एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बंद कॉल जो ऐलान किया है उसका उन लोग को सरकार बात करना चाहिए क्योंकि बंद कॉल होने से पब्लिक को बहुत नुकसान होता है पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होना चाहिए और जो गरीब लोगों को ज़्यादा नुकसान होने भी नहीं देना चाहिए इसलिए हर बंद कॉल का तो हम इतना सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि बंद कॉल से सोल्यूशन नहीं है बंद कॉल का अलावा भी बहुत चीज़ कर सकते हैं जो डेमोक्रेटिक वे में वो करना चाहिए और सरकार भी उन लोग का जरूरी अगर जूनियन डिमांड होने से बातचीत करके उसका हल करना है हल निकालना चाहिए और जो बच्चा लोग को अरेस्ट हुआ है उन लोग को तो
रिलीज कर देने से ठीक है, क्योंकि कोई लोग इसमें कोई इनोसेंट बचा होगा जो रास्ता में अचानक से निकल गया, कोई पकड़ के उठा के ले गया, एक्टिविस्ट भी नहीं हो सकता है। तो बातचीत से सोल्यूशन हो सकता है, बिना बातचीत से इस प्रकार से जो जीत होके बैठेगा दोनों तरफ से तो सोल्यूशन तो होगा नहीं। तो हम लोग को अरुणाचल में शांति चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और अरुणाचल का लोगों को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए नौजवान यूथ को भी अच्छा रास्ता चुनना है, अच्छा काम करना है और भविष्य के लिए चिंता करना है। जो गवर्नमेंट है वर्तमान, जो गवर्नमेंट है जो वो भी यूथ लोगों के लिए विचार करना है और यूथ लोगों का आवाज़ को भी सुनना है। जो यूनियन आवाज़ है उसको सुन करके उसका सोल्यूशन भी निकालना है, उन लोगों का सुविधा भी कर देना चाहिए, क्योंकि वेलफेयर गवर्नमेंट है, पब्लिक वेलफेयर के लिए भी सोच के काम करना है।